अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जनाब, आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरी कल वाली कर्टन वाली वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया, उस पर इतने ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़ दिए। तो इन मुझे भी आगे इस तरीके से आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं आज भी हाजिर हुई हूँ एक शॉप पे। नूर पर्दा सेंटर की ही दूसरी शॉप है, आज हम वहाँ पे विज़िट करने आए हैं। इनके पास भी काफ़ी वैरायटी मौजूद है और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, चॉकलेट आइटम वगैरह भी हैं। तो आइए यहाँ पे जो भाई हैं उनसे बात करके और बाकी मालूम मैं उनसे दिलवाती हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम, भाई का क्या नाम है आपका? अच्छा भाई, आप हमें बताएंगे थोड़ा सा दुकान के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी है, आपके पास क्या क्या चीज़ें रखते हैं आप? हमारे पास ये पलची फैब्रिक है, जूट फैब्रिक है, बहुत सारे ये हमें जमावार है, बहुत सारे पर्दों के अलावा और भी चीज़ें होती हैं आपके पास? हमारे पास सोफे बनते हैं, हल्दिया मजलिस ये बनाते हैं, ये सोफे कवर बनाते हैं, और पूरा यहाँ जो पूरा कमरे का डेकोरेट करते हैं पूरे। अच्छा, जो हमने बाहर आपकी साइन बोर्ड पे देखा क्रॉकरी आइटम वगैरह, तो क्रॉकरी में क्या क्या चीज़ें? क्रॉकरी भी पूरा जेस आइटम, पूरा जेस इलेक्ट्रिक सामान जैसे सैंडविच मेकर और सब सामान पूरा वैरायटी, सुई धागा भी मिल जाए, सुई धागा भी। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके पास तमाम चीज़ें मिल जाती हैं एक ही जगह पर आके। तो आप हमें थोड़ा सा अपनी वैरायटी के बारे में बताएँ। ये लगा हुआ है और ये कढ़ाई वाला है। मुझे प्राइस के हिसाब से ही बताते जाइएगा थोड़ा। प्राइस इसका है 800 रुपये, 700 रुपये गज, ठीक है, गज के हिसाब से, ठीक है। और ये भी 800-700, और वो वाला 1200 रुपये गज है, कढ़ाई वाला है, ठीक है, उस साइड पे। अच्छा, इनके कपड़ों में क्या फ़र्क है ये भी हमें बताएंगे आप? कपड़ों में फ़र्क है, मोटा बारीक पतला यानी नेट भी होते हैं, और मोटा ये टेक्चर है, ठीक है, ये वाला टेक्चर है जो रोल रखे, ये टेक्चर है, ये भी जूट है, ये वाला ये है पलची, ठीक है, ये भी जूट है, ये जो है ये मोटा ये गर्मियों के हिसाब से भी यूज होता है, सर्दियों के हिसाब से भी। अच्छा, ये दोनों में यूज होता है। अच्छा, और इसकी प्राइस रेंज क्या होती है? किसकी? ये वाला जो आप मुझे जूट का कपड़ा बता रहे हैं, इसकी प्राइस रेंज क्या होती है? इसका 600 रुपये गज, 600 रुपये गज। अच्छा, तो और इसके अलावा कौन कौन सी वैरायटी होती है, और अभी जो मार्केट में मतलब क्या ज़्यादा चल रहा है वो भी ज़रा मुझे बता दें। मार्केट में ये सारे ये वाले जूट ज़्यादा चल रहे हैं, जमावार चल रहे हैं, ठीक है, और ये टेक्सचर चल रहा है इसका, टेक्सचर, ठीक है, ये मलाई टेक्सचर है, ये चल रहे, ठीक है। इसकी क्या प्राइस रेंज होती है? ये 800-900 रुपये गज है, गज 1200 तक भी इसमें फर्क है, बहुत सारे फेब्रिक है, 1500 का भी गज मिलता है, 1500-1200 सही, अलग अलग वैरायटी है, मतलब इसमें क्वालिटी का फर्क होता होगा फिर उसमें। अब देखो, इसमें हम लोग ये काम भी करते हैं, इसके ऊपर अभी ये प्लान है, प्लान के ऊपर हम लोग ये काम करते हैं। अच्छा, ये आप लोग बनाते हैं? बनाते हैं कस्टमर आपको मतलब जो डिजाइन देगा आप उसके हिसाब से बनाते हैं? हिसाब से बनाते हैं। अच्छा, और इसके आप अलग से चार्जेस वगैरह इंक्लूड करते होंगे इसमें? इसके अलग से चार्जेस होते होंगे, बाकी कपड़े के वही चार्जेस होते होंगे जो आप सेम चार्जेस बाकी कपड़े के होते हैं, सिर्फ इसके जो बनाने के चार्जेस होते होंगे वो आप लेते हैं, वो लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ऊपर वैरायटी टंगी हुई बताएंगे? ये भी वही जूट है, ये वो है 3D, ये 3D कराते हैं, और ये सारा नेट है, नेट ऑर्गेंजा। अच्छा, नेट पे ऑर्गेंजा, टेक्सचर ऑर्गेंजा, ठीक है, ये इसको बारिश कहते हैं, बारिश। अच्छा, ये भी पर्दों में इस्तेमाल होता है? ये पर्दे पर्दों के पीछे। अच्छा, ये पर्दों के पीछे लगाने के लिए यूज होता है? ये सभी लगता है कि आगे आपने पीछे स्ट्रेट ब्लेंड बना दिए, जी जी, आगे आपने ये दे दिए। अच्छा, एक हिस्सा यूं, एक हिस्सा यूं। और इसकी क्या प्राइस रेंज है? ये बना हुआ। अच्छा, हाँ, दिखा दीजिए। ये बना हुआ अब पीछे स्ट्रेट, आगे ये पर्दा, अब देखो ये पीछे स्ट्रेट जी, और आगे पर्दा, ये देखो ये नेट है, पीछे स्ट्रेट, आगे नेट, एक नेट यहाँ भी लगेगा। अच्छा, तो इसकी क्या प्राइस रेंज है? जो नेट आप बता रहे हैं इसकी भी वैरायटी होती है? साइज के ऊपर बात है, साइज के नहीं, मतलब नेट की क्वालिटी अलग है, क्वालिटी अलग अलग है, 1200-800-1500 स्टार्ट जो है वो 800 से 800, ठीक है, और उसके अलावा जैसी क्वालिटी होगी उसके हिसाब से पीस चलती जाएगी, ठीक है। और ये जो ऊपर वैरायटी टंगी हुई है जो वेलवेट में है, ये भी सारी ये वेलवेट है, जो ऊपर टंगी हुई वेलवेट है, जूट है, ठीक है, जमावार है, ठीक है,
टेक्सचर बहुत सारे फैब्रिक तो बहुत ये वेलवेट वही है जो आपने अभी हमें दिखाया है भाई, ये अलग है हाँ, वो अलग फैब्रिक है। और ये देखो ये सामने ये भी जूट है सारी, ये प्लेन में आजकल ये कपड़ा चेंज है बिल्कुल। इस तरह बनता है, जैसे ये पीछे प्लेन लगा हुआ है, आगे नेट लगा हुआ है। जैसे ये ऊपर देखो जी, पीछे प्लेन लगा हुआ है, आगे डिजाइन लगा हुआ है। ये थोड़ा उस टाइप का कपड़ा है कि जैसे सलवार कमीज वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, ये थोड़ा टेक्सचर उस टाइप का आ रहा है जैसे ना, उस टाइप का कपड़ा है। ये तो मोटा है लेकिन अच्छा चीज ठीक है कंधे के हिसाब से, जैसे वो बोस्की कपड़ा होता है जो मोटा होता है, ये वो कपड़ा होगा आपके पास। ठीक है, अच्छा इसकी प्राइस रेंज क्या होती है? जैसे ये तो मोटा कपड़ा है तो फिर इसमें 800, 700, 900, 1200 फर्क है। ठीक है, कपड़े के हिसाब से आप बताते हैं। अच्छा, इसके अलावा और आप? इसके अलावा ये देखो पीछे बंच भी बनाते हैं, बंच ये पीछे बंच है, ये पर्दे। अच्छा, ये आपने प्रिंटिंग की? हाँ प्रिंटिंग की। अच्छा, ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसकी क्या होती है रेट वगैरह? इसका भी साइज के ऊपर बात होते हैं, साइज अब ये पड़ता है, ये जो पड़ता है 9000 तक पड़ता है। अच्छा, ये कपड़ा मतलब एक ही कपड़े में बनता है या कपड़ा अपने हिसाब से आप अलग अलग? ये पीछे वाला अलग है और आगे वाला अलग। नहीं, जैसे कस्टमर की डिमांड होती है कपड़े पे, आप एक ही कपड़े पे बनाते हैं ये चीज? नहीं, कस्टमर का डिमांड होता है, कस्टमर की डिमांड पे मतलब किसी भी कपड़े पे आप ये प्रिंट कर देते हैं? कर देते हैं। ठीक है, अच्छा। और इसके अलावा ये है, ये चेक ब्लैंड भी होते हैं हमारे पास, चेक ब्लैंड। अच्छा, ये वैसे ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ये खिड़कियों के कर्टन वगैरह जो होते हैं ये वो चीज है जो फोल्ड हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, ऊपर जाता है नीचे आता है। ठीक है, ये वो चीज है। ये देखिए, ये करके दिखाया है ना, ऊपर और नीचे जाते हैं। अच्छा, इसकी क्या प्राइस रेंज होती है? ये फिट के हिसाब से होते हैं, स्क्वायर फिट। अच्छा, तो स्टार्ट क्या है इसकी रेंज? इसका है 250, 300। ठीक है, 200 फर्क है, बहुत सारे इसमें भी बहुत सारे फैब्रिक है। अच्छा, तो इसमें डिजाइन वगैरह काफी होते होंगे? काफी डिजाइन है इसमें, मैं दिखाता हूँ कैटलॉग। जी जी, आप मुझे दिखा दें। एक हमारे पास ये जेब्रा है, ये जेब्रा ब्लेंड है, इस तरह बनते हैं। अच्छा, इसका 400, 350 इस तरह इसका फिट होता है, स्क्वायर फिट। ठीक है, ये देखो ये बना हुआ है इस तरह। ठीक है, ये इसी में बन जाता है, बस पर्दे की तरह बन जाता है, ये ब्लेंड की तरह, जैसे ब्लेंड है इसका ना। ये देखो इसमें तस्वीर है जी, इस तरह बनते हैं। ये रिमोट वाला है जी, रिमोट से बंद होता है, खुलता है। अच्छा, और ये वो है चिक ब्लेंड, और ये जेब्रा है सारे, जेब्रा। तो ये रिमोट वाला भी आप लोग बनाते हैं? रिमोट वाली बनाते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो ये तस्वीर, ये है सही, ये सारे, और इसके ये कलर हैं सारे। तो ये आप कस्टमर की डिमांड के हिसाब से कस्टमाइज करते होंगे जो चाहिए होता है, कस्टमर जो पसंद करते हैं वो बनाते हैं। बिल्कुल सही, सारे डिजाइन, ये सारे डिजाइन हैं। और हमारे पास इसके अलावा ऑल पेपर भी होते हैं, ऑल पेपर। अच्छा जी, वॉल पेपर भी होता है जो दीवार में स्क्वायर फिट के हिसाब से होता है? नहीं, ये 10x12 दीवार होते हैं। अच्छा, 10x12 दीवार में 3 रोल लगते हैं। अच्छा, 3 रोल। ठीक है, तो एक रोल का क्या? एक रोल 2500, 3000 इस तरह रोल होते हैं। स्टार्ट 2500 से है, और सस्ते भी है बहुत सारे फैब्रिक, 1500 तक भी मिल जाते हैं। 1500 ठीक है, मतलब 1500 से स्टार्ट है, और उसके बाद आगे तक जाते हैं, आगे तक फिर 4000-5000 तक रोल है। बाकी सारी भी कर्टन की वैरायटी है आपके पास? ये नेट है सारे। ठीक है, ये सारे नेट ऑर्गेन्जा और नेट। ठीक है, और ये देखो हम लोग एम्बॉस करते हैं ऊपर, प्लेन के ऊपर ये डिज़ाइन बनाते हैं, प्लेन के ऊपर। अच्छा, तो ये आप मशीन वर्क करते हैं? मशीन वर्क होता है आपका। अच्छा, ये जो ऊपर जो आपने मेहराब टाइप का बनाया है, तो ये ऊपर वो डिज़ाइन है? हाँ, तो ये भी आप लोग बनाते होंगे? ये अलग है। हाँ, ये भी बनाते हैं, ये अलग है। ऊपर डिजाइन भी बनाते हैं, वो देखो वो गोले वाला डिजाइन है। ठीक है, एक ये डिजाइन है, ये भी बनाते हैं। ये तो चेंज है, ये आपने वेलवेट लकड़ी पे बनाया? लकड़ी पे बनाया, लकड़ी के ऊपर। ये आपने कपड़े में बनाया? ये कस्टमर का है बना हुआ। ये स्क्वायर फिट के साथ? अच्छा, ये स्क्वायर फिट के साथ, रनिंग फिट के, रनिंग फिट के साथ। ठीक है, और ये भी डिजाइन कस्टमर का होता है? ये कस्टमर का डिजाइन, वो देते हैं और आप उस हिसाब से बना के देते हैं। और
बाकी कपड़े वाले में क्या होता है उसका भी? कपड़े वाले गोले वाला बनता है, गोले वाला फाइबर वाला किस चीज़ से बना हुआ है बताएं कि जो ब्लैक और गोल्डन में बना हुआ है ये किस चीज़? ये फाइबर में और ये देखो वो बर्नियर सेट, इलेक्ट्रिक सामान, स्त्री वगैरह, सही सब मुकम्मल मुकम्मल आइटम है। ठीक है, तो ये ट्रे जो बहुत प्यारी लगी है इसकी क्या प्राइस बताएंगे कुछ आइडिया? ये है 2500 पूरा 3 पीस का सेट, लकड़ी के ट्रे। हां ठीक है, और ये बाकी डिनर सेट की क्या प्राइस है, स्टार्ट कहाँ से? बाकी डिनर सेट 7000, मार्बल का डिनर है 14000 12000, फर्क है, बहुत फर्क है, मतलब इस हिसाब से आप जितना महंगा लें जितना सस्ता लें वो हर तरह से। ठीक है, अच्छा बाकी सैंडविच मेकर और सारे आइटम मुकम्मल होते हैं? मुकम्मल मुकम्मल। ठीक है, और नॉन स्टिक आइटम है? नॉन स्टिक, सही। और आप बेडशीट वगैरह भी रखते हैं? बेडशीट वगैरह भी सब। अच्छा, मतलब आप पूरा जहेज का सब कुछ रखते हैं उसमें? चलें, तो बहुत ही अच्छा है। और बेडशीट में क्या रेंज है, एक आइडिया? बेडशीट में है पूरा जो शादी का सेट होते हैं वो 7000 12000, सही फर्क होते हैं, और वैसे सादा बेडशीट जो है 1200 1500, सही इस हिसाब से। और ये जो उसकी नॉन स्टिक के वगैरह सेट वगैरह होते हैं उसकी कुछ प्राइस वगैरह बताएंगे आप? नॉन स्टिक का है 14000 12000, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी होगी, जितना हल्का होगा और उससे भारी, दोनों में वैरायटी होगी। ठीक है, और वैसे इसके ये भी है हमारे पास, क्या कहते हैं, कारपेट वगैरह भी आपने रखे हुए ये सारे इसमें, सही। ये सारे डिज़ाइन ये प्लेन में है, प्लेन, सही। और उसके बाद है ये डिज़ाइन, ये वाले देखो लाइनिंग, ये आपने सैंपल के तौर पे? हाँ, सैंपल के तौर पे, सिर्फ सैंपल है सारे। ये हो गया, सही। ये हो गया, और इनकी क्या रेंज है? ये हो गई, ये फिट के हिसाब से, स्क्वायर फिट के हिसाब से। अच्छा, मतलब स्टार्ट कहाँ से? नॉर्मल स्टार्ट इसमें 55 45 35 84 110 120, फर्क मतलब सब में फर्क है, जितना आप अच्छा वाला लेंगे उतना महंगा होगा कपड़े के हिसाब से। ठीक है, इसमें हमारे पास वो भी है बर्तनों में, क्या कह रहे हैं वो, बेकिंग का आइटम, बेकिंग का आइटम भी मुकम्मल। अच्छा, वो भी आपने रखे हैं बेकिंग के आइटम, केक सांचे, पिज्जा के सांचे, मफिन और स्पैचुला, ब्रश, सब सब आपने मतलब कंप्लीट जो है सामान रखा हुआ, मतलब कोई अगर कस्टमर आपके पास आता है तो वो एक ही दफा में अपना सब कुछ ले सकता है। माशाल्लाह से आपने बहुत वैरायटी रखी हुई है और काफ़ी अच्छी वैरायटी रखी हुई है। तो ठीक है, आप अपना शॉप का नंबर या मुझे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लिखवा दें। कॉन्टैक्ट नंबर 0315 11 70 312। तो ये आपका अपना नंबर होता है? अपना नंबर, ठीक है। और इसके अलावा एड्रेस वगैरह? एड्रेस शादमान, ये क्या कहते हैं, ये इरम मार्केट, इरम फेज़ 1, अच्छा, नूर पर्दा 32 नंबर शॉप, 32 नंबर शॉप। कार्ड शो कराता हूँ, मुझे कार्ड भी आप दे दीजिएगा। और इसके अलावा हमारे कस्टमर अगर आते हैं तो आप उनको डिस्काउंट वगैरह दीजिएगा, पूरा कॉपरेट कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी वैरायटी है माशाल्लाह से आपके पास, हर चीज़ है बहुत ही। ये कार्ड है सही, हमारे नंबर सही। तो ये आपका नंबर ऑन रहता है? ऑन रहता है, ऑन रहता है। ठीक है, और ये पीछे का एड्रेस है, पीछे का पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। आपका ये कार्ड हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और इसके अलावा मेंशन भी कर देंगे, बाकी हमारे कस्टमर आए तो उनके साथ कॉपरेट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि इस दुकान में माशाल्लाह से हर तरह की वैरायटी आपको मिलेगी, कि अगर आप ये चाहें कि आप एक शॉप पे आए और आपको कंप्लीट वैरायटी मिल जाए, आपको कहीं और जाना ना पड़े, क्योंकि गर्मियों के दिन है, इंसान सोचता है जितना आसानी से काम हो सके हम कर लें, तो उसके लिए बेहतरीन आपकी शॉप है, आप यहाँ आएँ, आपको हर चीज़ की वैरायटी, हर चीज़ अवेलेबल है आपको यहाँ पर, क्रॉकरी, कारपेट्स, कर्टन्स, हर चीज़, और चार्जेस भी बहुत ज़्यादा रिजनेबल हैं इनके। आप यहाँ पे आएँ, विज़िट करें, और मुझे आपके रिव्यूज़ का इंतज़ार रहेगा कमेंट सेक्शन में, जैसे आपने मुझे पिछली वीडियो में सपोर्ट किया ऐसे ही आगे भी सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।